hormones, you know, like. No, how will you say? Because the milk will have hormones. But in any way, you are going to boil it. It will have prolactin and IGF. But you are going to boil it in any way. After boiling, which IGF-1 is going to stay? Now, oral IGF-1 is not available. Till today, we could not make an oral IGF-1. And then they talk about oxytocin in the milk. These are all fad focused. Oxytocin, yeah. Oxytocin is so short-lived. IGF-1, we are not able to make any oral IGF-1 till today. Hope we could make it, or we can make it. And why should we have a problem? Why do we inject? We just take an oral IGF-1, we are happy. We are not able to make oral IGF-1. We are not able to make oral insulin till now. So how come this milk, which is boiled, it is taken, it is boiled, it is pasteurized, coming back, again boiled. Boiled every day we could drink. Where from where IGF? Nutrition to anida, sir. IGF-1 kahan se aaya? सब प्रोटीन कोएग्रेट हो गया पूरा का पूरा, प्रोटीन डीनेचर हो गया, इतनी बार बॉयल हो गया मिल्क. सो रॉ मिल्क इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक फ्रॉम काउ एंड डायरेक्टली ड्रिंकिंग, दैट मे बी, दैट कैन. बट अगेन ओरल बायोअवेलेबिलिटी कहाँ है? ग्रोथ हार्मोन की, IGF-1 की, ऑक्सीटोसिन की, जिसके बारे में इतनी बार अभी बोला थे ना कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो रही हैं और अनार की, बिकॉज मिल्क कंटेन्स ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दे आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर व्हाट दे आर रिसीविंग. Same for chicken, they are fed with hormones and all. Huh? They are fed with hormones, but my question is, after you are saying, keep this hormone safe in the refrigerator, 4 degrees. It will get denatured if it is exposed to sunlight. It is chicken, ban gaya, pak gaya. Fir iske baad usme bahut sara maal masala, kya hua tum spices dal gaye. Spices. Dalne ke baad agar wo chup gaya, fir wo कहाँ तक पहुंचेगा वो आपके अंदर? पहुंचता भी ऐसा नहीं, बट टू व्हाट एक्सटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हाउ मच विद दैट, तो एवरीथिंग इज हैविंग समथिंग और अदर. अभी पैराबेन कहाँ कहाँ नहीं रहता है, तो इन दैट वे तो वी कैन, एंड फॉर दैट वी आर प्रिपेयर्ड. अभी तो हम काट के खाते हैं, पहले जब डायरेक्टली रॉ खाते थे लाइक, तब तो सामने वाले का जो हॉर्मोन्स के अंदर ही होते थे, वो निकालने की जरूरत भी नहीं है और देने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो पूरे पूरे हमारे अंदर जा रहे थे. व्हाट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, राइट? तो फ्लैश ईटिंग इनिशियली, जस्ट फ्लैश, काटा और खाया पहले जब आग नहीं थी, राइट? आई थिंक दे आर जस्ट मैटर ऑफ डिबेट्स एंड यू नो जस्ट आधा एक नया शगुफा छोड़ देने का, फिर मीडिया में चलता रहेगा, मीडिया को मौका मिलेगा चार बात बोलने का, बट इसकी वजह से पैनिक ज्यादा होता है और फिर नई चीज आती है. ये होता है सब, दीज आर ऑल एजेंडा. फिर एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, ओ इट इज डन लाइक दिस वे, हार्मोन फ्री मिल्क. मार्केटिंग ट्राइज टू हाइड द प्रोडक्ट एंड देन फाइनली दे गेट इट, लाइक व्हेनेवर व्हेन द मैगी वाज बैंड, पतंजलि आटा नूडल के. बट यू नो व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी नेवर, आई मीन पीसीओडी वाज अ रेयर कंडीशन, नाउ इट इज सो कॉमन. सो देन व्हाट, देयर हैज टू बी समथिंग टू डू विद द लाइफस्टाइल. ऐसा नहीं है ना, नहीं था.